ਹੁਸਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੁਝਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਕੱਖ ਹੋਏ ਲਾਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਹੋਏ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਗਈ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਸੀਰ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਬੋ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਮਾਹੀ ਵੇ पहले तो मतलब मजदूरी वगैरह करते थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एजुकेटेड भी हूँ तो स्टडी ख़त्म हुई है उसके बाद मजदूरी की है जॉब भी नहीं मिली पाकिस्तान है तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से प्यार नहीं है प्यार तो है लेकिन यहाँ पे रहने वाले सिस्टम से ना थोड़ा थोड़ा सा ना नफरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन आज मेरे साथ उभरता हुआ एक टैलेंट ज़ीशान अली साहब मौजूद हैं जो सिंगर हैं और सिंगिंग करते हैं और इनकी जो पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी बोला रिकॉर्ड के साथ और निमर अली के साथ लुमड़ी के नाम से कोई सॉन्ग था जो इन्होंने गाया था। सबसे पहले हम वो सॉन्ग सुनेंगे बाद में इनका तारफ करवाएंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ज़ीशान आप मुझे वो सॉन्ग सुनाएं जो बोला रिकॉर्ड के साथ और निमर अली के साथ आपका जो ना वायरल हुआ था क्लिप वो मुझे दोबारा जो ना सॉन्ग आप अपना सुनाएं। चलें ठीक। कोई नार जहकार हुसना दा कर दी ओनू दस दी बाजारा विच मुल बिकदा फेक यार भी शिकारी उते निकले बड़े दसता जबाना उते कौन डिकदा पैदल जे कोई तेरे नाल चल पई कुट के पड़ी तू ओनू छड़ी ना कदे ओनू तर्ज बना ली आप गीत बन जाई तर्ज नू गीत विचो कढ़ी ना कदे साबनीत वालियां ना मिलन किते सच्चे दिल वालियां ना मिलन किते मैं लब लब हार गया सौ फिर जी रंजया वे करके तू ही लाकार दा बुढ़ी जे मुहब्बत तुझो ना हीर दी धूल पेंदी बाइकी उते कौन बैठूगी ਹੱਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੀਰ ਦੀ ਰਾਂਝਿਆ ਵੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਕਾਰ ਦਾ ਗੂੜੀ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀਰ ਦੀ ਆਹ ਹੁਸਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੁਝਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਕੱਖ ਹੋਏ ਲਾਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਹੋਏ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਗਈ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਸੀਰ ਦੀ ਧੂਲ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ ਅੱਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੀਰ ਦੀ ਰੱਜ ਆਵੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੂੜੀ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀਰ ਦੀ। वाओ यार क्लैपिंग होनी चाहिए इस टैलेंट के लिए, कमाल का टैलेंट है। और ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और आप देख रहे होंगे कि ये टैलेंट वो आज हमारे साथ भी है। अच्छा ज़ीशान अली आप मुझे ये बताएं कि आप सिंगिंग कब से कर रहे हैं? 2 साल हो गए तकरीबन। ये आपको बचपन से शौक़ था या आपकी फैमिली पीछे बैकग्राउंड है वो भी सिंगिंग करती है? नहीं बचपन से शौक़ तो नहीं था और फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सिंगिंग नहीं करता तो मुझे शौक़ पड़ा है तकरीबन मुझे 2 साल ही हुए हैं अभी। तो एकेडमी लाइफ में वैसे मैं परफॉर्म किया करता था वो नात वगैरह पढ़ा करता था तो बस वो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार आपको गाना चाहिए आपकी वॉइस अच्छी है तो फिर काफ़ी अरसे के बाद खुद ही गुनगुनाना और नुसरत साहब को सुनना तो फिर मैंने इसको पैशन ही बना लिया। अभी 2 साल हुए हैं इस जर्नी को तो इंशाल्लाह जारी है जर्नी। अच्छा आपके इस फील्ड में आपका कोई उस्ताद जो जिसको जो ना आपने फॉलो किया हो या जिससे आपने कोई सीखा हो कौन है वो आपका उस्ताद? जी उस्ताद तो कोई नहीं है लेकिन ये है कि रूहानी उस्ताद हैं वो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनको फॉलो करता हूँ बस उनका सुन के ना तो बस उनको कॉपी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। अच्छा आपका रूहानी उस्ताद है जिसको आप देख के या सुन के आपने प्रैक्टिस की और आपने खुद सिंगिंग करनी स्टार्ट कर दी, कोई वैसे उस्ताद नहीं है जिससे आपने जाके एकेडमी ज्वाइन की हो या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा उस्ताद नहीं जिससे साथ बैठ के सीखा हो? जी नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है तो बस गॉड गिफ्टेड है। अच्छा आपके अभी तक कितने सॉन्ग आ चुके हैं? यार सॉन्ग अभी तो कोई भी नहीं आया मेरा लेकिन ये है कि लिखे पड़े हैं और कंपोज हुए पड़े हैं लेकिन आपको क्या बताऊं यार थोड़ा सा ना पता ही है आपको बजट का मसला है
और कोई मसला है। और मैं आपको बताता चलो हैरानी की बात कि मैंने 42 सॉन्ग अल्लाह के हुक्म से लिख के डायरी में बंद की हुई है डायरी। अच्छा, 42 सॉन्ग आपने जो ना लिख के डायरी बंद कर दी है? जी ऐसे ही करना पड़ा, मजबूरी। आज़िन देखें ये टैलेंट आपके सामने है, सबसे पहले उन्होंने सॉन्ग गाया और आपने फील किया कि किस तरह का जो उभरता हुआ टैलेंट है, और सिर्फ ये है कि जी बजट नहीं है जिस वजह से 42 सॉन्ग लिख के डायरी क्लोज कर दी है, इसीलिए कि बजट नहीं है। तो ये सोशल मीडिया इतना फास्ट है आजकल का कि अगर ऐसा कोई टैलेंट होता है वो उभरता हुआ जो ना नज़र आता है तो सोशल मीडिया उसको उठा लेता है और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको उठा लेती हैं। जी देखें, पहले तो मतलब मजदूरी वगैरह करते थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एजुकेटेड भी हूँ, तो स्टडी ख़त्म हुई है, उसके बाद मजदूरी की है, जॉब भी नहीं मिली, पाकिस्तान है तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से प्यार नहीं है, प्यार तो है लेकिन यहाँ पे रहने वाले सिस्टम से ना थोड़ा सा ना नफरत है। और दूसरा सीन ये है कि अभी अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, जर्नी जा रही है, 2 साल हो गए हैं लेकिन काम वगैरह कोई भी नहीं कर रहे। तो एक ऐप है बिगो लाइफ, वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो गुजारा जिसको कहते हैं ना वो हो रहा है बस। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट इंतहा का है, लेकिन जस्ट सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो टैलेंट ऊपर नहीं आने देता कोई भी। तो इसी के साथ एक और सॉन्ग सुनते हैं ज़ीशान अली साहब से, कि कोई और अच्छा सा सॉन्ग हमें जो ना डेडिकेट करे, कि हमें सुनाए कि वो हमारे नाज़रीन को जो ना अच्छा लगे और हमारे जो ना सपोर्ट करें और इस वीडियो को इतना फैला दें कि बस बह जा हो जाए। जी ज़ीशान भाई, मुझे एक ऐसा कोई सॉन्ग सुनाए जो हमारे नाज़रीन को जो ना अच्छा लगे। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाम तू मेरा है जावे माही रे, मैनू तेरा इंतजार, जिंदगी है तेरे ना तू मेरा है प्यार, आ जावे माही रे मैनू तेरा इंतजार। अखियां ने हंजुआ दी कीती बरसात सोने, दर्दां ते लून लाया तेरे गमां ने, प्यार प्यार कह के मैनू लुट आई मेर मावे, दिल नू दिलासे दित्ते तेरे गमां ने, हुण हुंदा नहीं सहा ए विछोड़ा मेरे यार, जावे माही रे मैनू तेरा इंतजार, जिंदगी है तेरे ना तू मेरा है प्यार, आ जावे माही रे मैनू तेरा इंतजार। वाओ यार, ग्रेट, इनके लिए क्लैपिंग फिर से हो जानी चाहिए। तो ये है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, और इस टैलेंट को आप ऊपर लेके आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे इसको फैला दें, इतना फैला दें कि पता ना चले। तो मैं और ज़ीशान अली साहब इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, तो देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।